Hello everyone, my name is Hari Mohan I am a student professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in Krishna Engineering College, Ghaziabad. Today topic I am going to explain you about diode assistances, diode capacitances and diode breakdown mechanism. This is the topic under electronics engineering that is nothing but basic electronics engineering and let us see the detail before starting the concept I will just recall it the last class summary that is nothing but we have studied about effect of temperature on VI characteristics of the diode and also we have studied about diode equivalent socket so uh, just whatever the effect of temperature on VI characteristics of diode it is divided into basically four categories when we increase the temperature क्योंकि करेंट क्या होता है वो इंक्रीज होता है तो पहला पॉइंट यही हो गया सेकेंड पॉइंट एट कॉन्स्टेंट वीटी यानी कि थर्मल वोल्टेज या टेम्परेचर इक्वेलेंट ऑफ द वोल्टेज जो होता है वो अगर कॉन्स्टेंट रखता हूं मैं तो फॉरवर्ड बायस की जो वैल्यू फॉरवर्ड वोल्टेज की जो वैल्यू है फॉरवर्ड करंट की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जैसे मैं करंट जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा सेम बीटी पे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी थर्ड पॉइंट ये यहां पे कि ये आई एंड आई है आई एंड आई का मतलब क्या हो गया कि ये टेम्परेचर टी वन डिग्री पे और टेम्परेचर ये टी टू पे तो ज्यादा टेम्परेचर पे सिचुएशन करंट ज्यादा फ्लो होगी कम टेम्परेचर करंट कम फ्लो होगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रिवर्स करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी कि जो जहां पे की ब्रेक डाउन अगर होता है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेज विद्रीज ऑफ टेम्परेचर दिस वी है लास्ट क्लास इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डायोड इक्विवेलेंट इकोबरेंट डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हमने डिफाइन किया था कि तीन टाइप्स के होते हैं दैट इज आइडियल डायोड फर्स्ट मॉडल पीस वाइज मॉडल थर्ड अप्रोक्सीमेशन तीनों में क्या डिफरेंस है आइडियल आइडियल मॉडल का मतलब क्या है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो या तो कंप्लीटली ये ऑन होगा या ऑफ होगा यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा सेकंड केस में क्या किया हमने ओपन एंड शॉर्ट को तो लिया ही लिया साथ में हमने नी वोल्टेज को भी कंसिडर किया यानी कि ओपन एंड शॉर्ट होगा लेकिन जीरो पॉइंट सेवन के बाद यानी जीरो पॉइंट सेवन से ज्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा और उससे कम अगर मैंने वोल्टेज दिया तो ओपन हो जाएगा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट एंड थर्ड क्या है लीनियर अप्रोक्सिमेशन इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट यानी कि नी वोल्टेज को भी हम कंसिडर करेंगे साथ साथ में रेसिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे का मतलब की, जो डावोड रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको भी ठीक है तो ये दोनों चीजें हम करेंगे पीस वाई में और इसको दो से, दो लिनियर लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लाइन जो जीरो नी वोल्टेज के पहले और दूसरी लाइन जो नी वोल्टेज के बाद ओके सो दिस वन वी द लास्ट क्लास अभी आज हम लोग पढ़े स्टार्ट करेंगे आ, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके थोड़ा लर्निंग आउटकम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने जाने वाले हैं लर्निंग आउटकम का मतलब है कि जब आप ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या uh, सीखने को मिलेगा इसमें आप डायोड एंड डायोड कैपेसिटेंसेस के बारे में आप समझ पाएंगे देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यू विल बी आल्सो एबल टू फाइंड आउट डिस्टिंग्विश बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक डायोड डायवर्टिस्टेंसिस एंड द कॉन्प्टिज बाईन स्टार्टिंग विदोर्डिस्टेंसेज तो डायवर्डेंटेटिक और डायनेमिक डायनेमिक और सबसे पहले हम स्टेटिक स्टार्ट करते हैं यानी कि डीसी स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड रेसिस्टेंस ऑफर क्यों करता है क्योंकि जब उसमें डिप्रेशन लेयर होती है जब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं अगर डिप्रेशन लेयर नहीं होता जैसे कि हम बात करते हैं कंडक्टर की तो उसमें क्या होगा जैसे मैं वोल्टेज सप्लाई दूंगा तो करंट तुरंत फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा या आइडियल कंडीशन में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता है लेकिन जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उसके साथ साथ करंट बढ़ेगी थोड़ा सा अपोज के साथ तो इसका मतलब है उसमें रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो अब इसका एक लाइन का डिफिनेशन है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ये पी एन जंक्शन डायोड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज डीसी यानी कि अगर मैं डीसी कांस्टेंट सप्लाई दूंगा कांस्टेंट वोल्टेज दूंगा और उसकी वजह से जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा डायोड के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं डीसी यानी कि स्टेटिक रेसिस्टेंस क्लियर है ओके सो एंड वट अबाउट यू कैन सी दिस फ्रॉम ओके सो वट वी है Then after and it is denoted by

फॉरवर्ड वोल्टेज बाई फॉरवर्ड करेंट अब हम आते हैं डायनेटेंस की तरफिस्टेंस फॉर्मूला डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव करेंट है ना तो इसको हम डिफाइन करते हैं अब देख सकते हैं कि ये अगर मैंने ए सी सप्लाई यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में तो इसका मतलब ये है कि ये इस अगर इसके प्रोजेक्शन में लेके जाता हूँ इस प्रैक्टिकल डाइवोड पे तो ये दो पॉइंट पे टकराएगा यानी दो पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा और इस दो पॉइंट का अगर प्रोजेक्शन मैं वोल्टेज लाइन और करंट लाइन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये मिल जाएगा मुझे डेल वी यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज और ये मिल जाएगा मुझे डेल आई है ना तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मला क्या होता है वी बाई आई तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मला क्या बन जाएगा डेल वी बाई डेल आई ओके okay. यही होता है डायनेमिक और एसी रेसिस्टेंस तो अगर मैं देखूं तो इसको डिनोट करते हैं किससे स्मॉल आर डी से एंड इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ डेल ये देख सकते हैं आप इसको मैथमेटिकली छोटा सा डिराइव करते हैं एक दो मिनट का टास्क है एक से दो मिनट का तो देख सकते हैं कि ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि आर डी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल डी बाई डेल आई डी से और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर डी टू वन डिवाइड बाई डेल बी डी यानी कि जॉस इसको हमने रिवॉर्ट कर दिया वन वन से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा और हमें आई डी का आई डी का फॉर्मूला पता है आई डी का फॉर्मूला यानी कि आई डी का फॉर्मूला आई एस इंटू इट दावर इटावी बाई है न? तो इस फॉर्मुले को हम क्या करेंगे पार्शियल डिफिन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वीडी जब मैं पार्शियल डिफिनेशन करूंगा तो मुझे जो इसका आएगा वो क्या आएगा आई एस तो एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है और ई टू द पावर एक्स का जो है वो क्या आता है ई टू द पावर एक्स ही होता है और इसके साथ ये जो वैल्यू है डिवाइड का जो है वो क्या आएगा वन डिवाइड बाईटावीटी

आई एस इन यानी कि जरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो आई एस इन टू ई टू द पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वीटी ये होता है और माइनस वन तो माइनस वन को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा आई एस से तो क्या हो जाएगा माइनस आई एस बन जाएगा है ना ओके और ये हो गया आई डी का फॉर्मूला अगर मैं इसमें प्लस क्या करता हूँ आई ए एस एड कर देता हूँ यहाँ पर

डायोड uh, के द्वारा जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी बिहेव हो, रही है उसको हम कैपेसिटेंस के तौर पे दिखाते हैं ये भी दो टाइप्स का होते हैं वन बाय वन करके देखते हैं पहला है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है वो डायोड के फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यानी कि अगर कोई कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ डायोड वो को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस क्यों होता है ये क्योंकि इन फॉर बैस कंडीशन जब डिप्लेशन लेयर की विथ जो होती है वो रिड्यूस होती है विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज है जैसे जैसे मैं वोल्टेज सप्लाई देता हूँ तो क्या होता है पी साइड के जो चार्ज होते हैं वो एन साइड में यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होंगे पी से एन साइड की तरफ डिफ्यूज़ होंगे और एन से पी साइड की तरफ डिफ्यूज होंगे और जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ वोल्टेज सप्लाई करना यानी कि वोल्टेज को जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा विध अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के साथ इज डिफाइंड हमें फॉर्मूला पता है कि सी इज कल टू क्या होता है डीक्यू बाई डीवी तो इसको हम डिनोट कर दिए सी डी से और डीक्यू मतलब चार्ज का

रिवर्स बायस में होता है और रिवर्स बायस में जानते हैं कि जब मैं वोल्टेज सप्लाई बढ़ाऊंगा तो डिप्रेशन लेयर की width क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इस तरीके से जब लेयर की ड्रिप्रेशन बढ़ जाएगी तो इसमें करंट का फ्लो करीब करीब नहीं होता है इसका मतलब डायरेक्टरी की तरह बिहेव करता है और दोनों साइड में पी साइड में और एन साइड में चार्ज की लेयर इकट्ठा हो जाती है एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है है ना तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करते हैं और जो डायलेक्ट्रिक डा, डा ये जो डिप्रेशन लेयर है वो डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है इस तरीके से देख सकते हैं नीचे और डायग्राम है तो इसी वजह से कह सकते हैं कि पी uh, रीजन में जो पी रीजन है वो एक तरीके से पॉजिटिव प्लेट की तरह और एन रीजन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करता है और जो वाइडन डिप्रेशन लेयर है वो लेटिव की तरह बिहेव करता है और इसका फॉर्मूला जो है वो हम सीटीला ए डिवाइड बाई डी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर एप्सिला e, है एप्सिला जो है वो एप्सिलान की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर ए जो होता है वो एरिया ऑफ द प्लेट पैरल प्लेट्स है और डी इज नथिंग बट डी इज नथिंग बट डिफ मीन डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरल प्लेट यानी कि डायरेक्ट्री के बीच का जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस होता है उसके तरफ अगर मैं इस स्कैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें तो क्योंकि रिवर्स बायस में सिर्फ निगेटिव वोल्टेज होगा तो ये वी आर वोल्टेज यानी कि कर सकते हो रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे हम दिखा रखें जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी ओके तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं डिफ्यूजन से डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से मतलब चार्ज का डिफ्यूजन तेजी से होता है जब मैं वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करता हूं तो और इसी वजह से डी क्यू बाई डीवी टेक्स प्लेस होता है और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में क्या हुआ रिवर्स बायस में

बैरियर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और डिप्लेशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं अब आते हैं ब्रेक डाउन की तरफ ब्रेक डाउन मैकेजम्स में टेक्स प्लेस होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं एंड जेनर ठीक है तो करते हैं वन बाई वन चेक एवलांसाउन जो है वो नॉर्मल डायोड एंड जेनर डायोड दोनों में अकर होता है लेकिन मोस्ट प्रोबली ज्यादातर ज्यादातर नॉर्मल डायोड यानी कि नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड में ही अकर होता है कैसे आकर होता है जस्ट मैं समझाने की को कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं पी एन जंक्शन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसमें क्या करता हूं मैं ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो जब मैं ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि डिप्रेशन लेयर की जो वृथ है जो जो डिप्रेशन लेयर है उसके अक्रॉस जो माइनॉरिटी चार्ज करियर है जैसे पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज है और उधर एन साइड में भी माइनॉरिटी चार्ज है तो जो माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर ज्यादा Uh, uh, कह सकते हो कि उसकी वजह से जब हम उसको सप्लाई देते हैं वोल्टेज देते हैं तो एनर्जी की वजह से वो तेजी से यानी कि उसमें एक्सिलेशन प्रोड्यूस होता है बहुत तेजी से वो क्या करता है तेजी वेलोसिटीज के साथ वो मूव करने की कोशिश करता है और जब वो मूव करने की कोशिश करता है तो किसी ना किसी एटम से टकराता है एटम से टकराने की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उसी तरीके से दो जनरेट हुए दो से चार हुए चार से आठ हुए इस प्रोसेस को कैरियर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं यानी कि जब मैं ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करता हूँ एसोलेशन जो है बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का माइनटी चार्ज कैरियर का और वो जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो काफी हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है जो कि जंक्शन को ब्रेक कर देती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन मैकेनिज्म बोलते हैं ठीक है और ये जो है वो छह से ज्यादा वोल्ट पे आकर करता है अब आते हैं जेनर ब्रेकडाउन की तरफ जेनर है वो जेनर में आकर जो है के बारे में बात टू में। अभी जान लेते हैं कि जब हम नॉर्मल डायवोड में डोपिंग ज्यादा कर देते हैं और ये स्पेशली रिवर्स बयास में काम करने के लिए बनाया जाता है दो पॉइंट जाना जरूरी है पहला इसकी डोपिंग जो है ज्यादा होती है नॉर्मल कन्वेंशनल डायवर्ड से और ये डिजाइन किया जाता है स्पेशली Divorce bias condition में काम करने के लिए हम okay? ये पता चल गया कि इसकी डोपिंग ज्यादा होती है एक और पॉइंट बताना चाहता हूं मैं जब डोपिंग ज्यादा होगी जब हमने डोपिंग को ज्यादा किया तो क्या होता है डिप्रेशन ले जाती है यानी कि डिप्रेशन ले विर्थ होती है वो क्या होती है रिड्यूस हो जाती है कैसे सिंपल वर्ड में अगर मैं डोपिंग ज्यादा करूंगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है वो ज्यादा होंगे जब ज्यादा होंगे तो डिप्रेशन ले है वो

तो डिप्रेशन लेयर विथ कम है उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा जो वैलेंस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री नहीं है उसको क्या करेगा वो फ्री बना देगा यानी कि उसको पुल आउट कर लेगा अपने उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर खींच लेगा और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोन ज्यादा जितना ज्यादा मैं वोल्टेज अप्लाई करते जाऊँगा तो ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते जाएंगे और वो फिलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे और जब वो फील्ड

पहला कंडीशन क्या हुआ ब्रेकडाउन का कैसे अगर होता है और उसको हम कैरियर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं और कैरियर मल्टीप्लीकेशन की वजह से एवलाइंस ब्रेकडाउन अकर होता है वॉट एवर जिनर डायवर्ड जिनोड की डिप्रेशन ले पतली होती है तो उसमें हाई इलेक्ट्रिक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसके ऊपर और वो क्या करता है बहुत सारे

टेक इट इट टेक्स प्लेस इन द हाई वोल्टेज ग्रेटर देन सिक्स वोल्ट यानी कि ज्यादा वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं छह वोल्ट से ज्यादा तो एवलांच ब्रेकडाउन आकर होता है और लेकिन जेनर ब्रेकडाउन कब होता है जब हम वोल्टेज जो है वो सिक्स से कम यानी कि बहुत ज्यादा वोल्टेज ना हो, होगा उसके पहले ही जेनर ब्रेकडाउन आकर हो जाता है अब एवलांच ब्रेकडाउन की एक और प्रॉपर्टी है कि वो उसका जो फिशियंट है टेम्परेचर कोफिशियंट यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जहां पे ब्रेकडाउन होता है वो क्या होगा घट जाएगा सॉरी बढ़ेगा आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेज विध इनक्रीज इन टेपरेचर में बढ़ा रहा हूं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जैसे कि नॉर्मल में हमने पढ़ा था लेकिन एवलाइंस ब्रेकडाउन में जेनल ब्रेकडाउन में क्या होगा जब मैं वोल्टेज यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कॉपिस्टेंट शो करता है यानी कि मैं अगर टेमपेचर बढ़ाऊंगा तो जेनल ब्रेकडाउन जो है वो पहले ही अकर हो जाएगा क्लियर है एंड द लास्ट प्रोपर्टी फिफ्थ वन इज ये फोर्थ हो गया हमारा वन जो वी आई है लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत कि बहुत तेजी से डाउन होता है और ये जो इसका ग्राफ देख सकते हैं बहुत शार्पली जो है वो ब्रेकडाउन अकर होता है जेना ब्रेकडाउन एवलांस ब्रेकडाउन थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है अच्छा और ये ज्यादा शार्प नहीं होता है तो इस तरीके से हमने बात की डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डायनेमिक रेसिस्टेंस स्टैटिक रेसिस्टेंस एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म यानी कि ब्रेक ब्रेकडाउन ये तीनों क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट मार्क्स में जनरली डिफरेंस डिफरेंस पूछा जाता है या दोनों के बारे में शॉर्ट मार्क्स में पूछे जाते हैं तीनों क्वेश्चंस के बारे में तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक नाउ वील ट्राई टू टेस्ट आवर सेल्फ विद इन टू टू थ्री मिनट्स आप लोगों को क्या करना है जो भी क्वेश्चन आएगा उसको वीडियो को पॉज करना है

इट अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एक्सीटेड चार्ज करियर जस्ट अभी अभी पढ़ा है हमें इस टेबल के इसके पहले टेबल में और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है कौन सा क्या ऐसा होता है यस yes, ये जो है एवलांस ब्रेकडाउन एक्सेलेट चार्ज कैर की वजह से होता है और जेना ब्रेक डाउन जो है वो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एवलांस ब्रेक डाउन अकर्स इन Yes, it occurs in both kind of diode, I any mean, JNR as well as PN junction diode, but preference is given to the normal PN junction diode at high reverse voltage, okay. The sensor is not reverse breakdown here, this should be a normal PN junction diode. So, thank you uh, everyone. In case of any queries, in case of any, uh, uh, you, you can say doubt you can contact me at hari dot at the rate krishna college .ac in thank you again